हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन, और लॉज ऑफ मोशन में कल हमने आप लोगों को गैलीलियोज लॉ तक हमने बताया हुआ था, है ना। तो स्टूडेंट्स, गैलीलियोज लॉ तक आपने पढ़ा, और देखा कि कैसे गैलीलियो ने बताया कि भाई कोई भी बॉडी है अपने आप से अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकती है। बॉडी की इस इनेबिलिटी को ही इनर्सिया कहते हैं। जो गैलीलियो ने बताया वो आगे भी जाकर के सही साबित हुई, और इसी इनेबिलिटी ऑफ बॉडी को इनर्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्सिया मींस द इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ इज नोन एज इनर्सिया। इनर्सिया आप लोगों के लिए एक नया नाम है, थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। क्या है भाई? बताया ना, गैलीलियो ने बता दिया आपको कि कोई बॉडी अपने आप से अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन को चेंज नहीं कर सकती है। बॉडी की इसी इनेबिलिटी को इनर्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्सिया कहते हैं। और यही लॉ जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी हो गया। तो आइए देखते हैं, पहले इनर्सिया के बारे में थोड़ी स्टडी करेंगे। पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ लेते हैं, है ना, क्योंकि इनर्सिया भी फर्स्ट लॉ में ही आ जाती है। देखिए न्यूटन्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, है ना भाई, मोशन से रिलेटेड न्यूटन ने थ्री लॉज दिए, तीन स्टेटमेंट उन्होंने बताया जिसके बेसिस पे मोशन ऑफ ए बॉडी इन मैकेनिक्स गवर्न होती है। फर्स्ट लॉ क्या रहा? ये जो आपने गैलीलियोज लॉ में पढ़ा, क्या पढ़ा? ए बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बाय इटसेल्फ अनलेस अनटिल एडिशनल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अपने आप से चेंज नहीं कर सकती है जब तक कि इस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए। मीन्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी एन एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू द बॉडी। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया, फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ में क्या कहा है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में भी गजब की बात है। पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिटेल स्टडी में करते हैं, पहले लॉज को देख लेते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में कहा गया कि जब कोई बॉडी मूव करती है और उसके एक्सेलरेशन में चेंज हो रहा होता है, तो मतलब फोर्स उस पर काम कर रहा होता है। तो इसको समझने के लिए एक और टर्म आपको पढ़ना पड़ेगा, उसे कहते हैं मोमेंटम। क्या कहते हैं? मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम। ये लीनियर मोमेंटम क्या है? इसको स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है? कहें इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स, मास ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स, फर्स्ट मास ऑफ द बॉडी, सेकेंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। माना कि हमारे हाथ में कोई टू थिंग्स हैं, अभी वॉल पर मैं इन दोनों से मारूं, एक का मास ज्यादा है दूसरे का मास कम है, दोनों सेम स्पीड से जाकर दीवार पर लगेंगे, लेकिन किसका एक्शन ज्यादा फील होगा? ज्यादा मास वाले का। ज्यादा मास वाले का एक्शन ज्यादा फील होगा, कम मास वाले बॉडी का वहां पे इफेक्ट कम आएगा। एग्जांपल के लिए माना कि विंडो पैन, ग्लास विंडो पैन है, ग्लास की खिड़की है, ग्लास की खिड़की पे आप दो स्टोन मारिए, कहेंगे सर आप किसी की खिड़की तोड़ने की सलाह दे रहे हैं। नहीं, बस एज्यूम करने की बात कर रहा हूं,
एज्यूम कीजिए, कभी कभार आप लोग गुस्से में आते हैं ना, लेकिन मार के तो तोड़ूंगा मैं, तो मारिए मत, सिर्फ एज्यूम कर लीजिए। एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा, एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा, कहीं पर ग्लास पैन है, आप उस पर मारने की सोच रहे हैं, आप अपनी पूरी ताकत से मारते हैं, हो सकता है दोनों स्टोन, दोनों पीस आप स्टोन सेम स्पीड से जाकर टकराए। अगर सेम स्पीड से जाकर टकराते हैं दोनों, तो दोनों का इफेक्ट जो आएगा वो सेम नहीं आएगा। जिसका मास ज्यादा है उसका इफेक्ट ऑन द ग्लास ज्यादा होगा। दूसरे तरीके समझो, अब दोनों का मास आप सेम ले लो, क्या सेम मास के आपके पास दो पीस ऑफ स्टोन है, दो पीस ऑफ स्टोन है, ओके, सेम मास की, दोनों को आपने मारा, एक की स्पीड कम रखी और दूसरे की स्पीड ज्यादा रखी, तो वहां पर जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा कोलिजन के बाद, जो वहां पे इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, तो ज्यादा स्पीड वाली बॉडी का ज्यादा होगा। इसीलिए तो बुलेट को हम हाथ से भी मार सकते हैं, लेकिन हाथ से मारते हैं तो सामने वाले ऑब्जेक्ट पर उतना ज्यादा असर नहीं आता है, और जब गन से मारते हैं तो सामने वाले ऑब्जेक्ट पर ज्यादा असर आता है। क्यों? वजह यह होती है, जब हाथ से मारेंगे स्पीड कम होगी, जब गन से मारेंगे तो स्पीड ज्यादा होगी। कोई ग्लास पैन है तो हाथ से मारी बुलेट हो सकता है ग्लास पैन को पार कर के बाहर ना जा सके, लेकिन जब गन से मारेंगे तो ग्लास पैन को बुलेट बाहर पार करके बाहर निकल जाएगी। तो सोचिए ऐसा क्यों हुआ, स्पीड बढ़ गई, मतलब इफेक्ट ऑफ मोशन दो बात पर डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉडी एंड स्पीड ऑफ द बॉडी। और इसी इफेक्ट को मेजर करते हैं हम एक क्वांटिटी से, जिसे लीनियर मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर मोमेंटम। इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी कैन बी एज्यूम्ड, कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ ए क्वांटिटी नोन एज लीनियर मोमेंटम, नोन एज लीनियर मोमेंटम, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल पी। It is directly proportional to mass of the body, it is directly proportional to velocity of the body. Collectively, it is directly proportional to mass and velocity. Means nearly equal to constant into mv. Constant की value nearly 1 होती है, तो p equal to होता है mv. Mass into velocity. Momentum. Mass into velocity, ओके, मास इनटू वेलोसिटी। तो स्टूडेंट समझिए इस बात को, क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है। कहा जाए कि कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके मोशन का कंप्लीट इफेक्ट जो सामने वाले बॉडी पर या कहीं पर आना है कोलिजन के बाद, वो किस बात पर डिपेंड करेगी? के मास पर, के हाँ डिपेंड तो करेगी, पर सिर्फ मास पर नहीं, मास पर भी डिपेंड करेगी, वेलोसिटी पर भी डिपेंड करेगी। हमको दो बात करनी पड़ेगी, और दोनों बात को ना कहकर के हम एक बात में ले आए इसको, तो यह मोमेंटम। कंप्लीट इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी कैन बी अंडरस्टूड बाय मेजरिंग द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, बाय कैलकुलेटिंग द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। मोमेंटम को कैलकुलेट करके हम पता कर सकते हैं इफेक्ट ऑफ मोशन क्या आने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर हम वेलोसिटी ज्यादा कर दिए, मास को कम कर दिए, वेलोसिटी ज्यादा कर दिए, मास को कम कर दिए, मोमेंटम सेम है, तो इफेक्ट वही आने वाला है। वेलोसिटी ज्यादा कर दिए, मास कम कर दिए, तो मोमेंटम सेम रह गया, मोमेंटम सेम रह गया तो इफेक्ट वही आने वाला है। और मास ज्यादा कर दिए, वेलोसिटी कम कर दिए, मास ज्यादा कर दिए, वेलोसिटी कम कर दिए, तो भी हो सकता है मोमेंटम सेम रहे तो भी इफेक्ट सेम आने वाला है। मींस सिर्फ वेलोसिटी बढ़ा देने से या सिर्फ मास बढ़ा देने से काम नहीं होने वाला है। अगर हम इफेक्ट लेना चाहते हैं ओवरऑल, मुझे मोमेंटम बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा? मोमेंटम बढ़ाना पड़ेगा। मींस मोमेंटम इज द कंप्लीट इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन द कोलिजन। जब बॉडी मूव करते हुए कहीं पर कोलाइड करेगी तो वहां पर जो मोशन का कंप्लीट इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा मोमेंटम पे। बॉडी का मोमेंटम क्या था, कि मोमेंटम में चेंज कितना हुआ है। ओके स्टूडेंट्स,
इस तरीके से। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपको पता चला कि मोमेंटम क्या है। तो आज के नोट्स बनाते वक्त आप लोग सबसे पहले स्टार्ट करिएगा मोमेंटम, है ना। वैसे इस चैप्टर में आपको नोट्स के बारे में बताया, सबसे पहले आप नोट्स में बनाएंगे फोर्स, फोर्स के डिफिनेशन वगैरह। अब फोर्स क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। आज के लेक्चर में फोर्स के बाद सबसे पहले आप डिफाइन करिएगा मोमेंटम। गैलीलियोज लॉ वगैरह आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लिखना है, इनर्शिया लिखना है। तो दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट आप नोट्स में बनाएंगे फोर्स, दूसरा पॉइंट आप बनाएंगे मोमेंटम, तीसरा पॉइंट आप लोग बनाएंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, है ना, और इसके एग्जांपल्स। और फोर्थ पॉइंट आप बनाएंगे इनर्शिया। हाँ, अगर आप इनर्शिया को एनएलएम से पहले बनाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इनर्शिया को एनएलएम से पहले बनाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखें मोमेंटम को आप पहले बनाइएगा, ठीक है। तो आइए मोमेंटम के बारे में कुछ और आपको बताते हैं। मैंने क्या बता दिया कि मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसे लीनियर मोमेंटम कहते हैं। और मोमेंटम से क्या क्या डिफाइन होती बातें पता चलती हैं, हमने कहा कंप्लीट इफेक्ट ऑफ मोशन जानने के लिए मोमेंटम का कैलकुलेट करना आवश्यक है ना, उससे आराम से पता चल जाएगा कि इफेक्ट ऑफ मोशन क्या है। अब इसमें देखिए तीन केसेस है। पहले केस पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, हमने लिखा कब, व्हेन वी इज कांस्टेंट, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। जैसे देखिए फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके मास अलग अलग हैं, सबको सेम वेलोसिटी से थ्रो किया गया, किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा। ग्राफ प्लॉट किया जाए, ग्राफ प्लॉट किया जाए P और M के बीच में, M एंड P, जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। लीनियर रिलेशन अगर स्ट्रेट लाइन करवाएगा, कैसे करवाएगा, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट सम एंगल विद M एक्सिस, ओके। हाँ, इसका स्लोप क्या बताएगा, इसका स्लोप बताएगा P बाई M, क्योंकि हम थीटा लिया जाए, यहां पे कोई पॉइंट ले लिया जाए P, ये देखिए हाइट को अगर हम P से रिप्रेजेंट करें, ये वाले डिस्टेंस अगर M से रिप्रेजेंट करें, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी बाई एम आ रहा है। और यहां से देखिए पी बाई एम इक्वल टू फ्रॉम पी इक्वल टू एम बी वी इक्वल टू पी बाई एम, मीन स्लोप इक्वल टू वेलोसिटी। क्या हमारे पास जो अब यहां पर रिजल्ट आ गया है, ये आ गया है कि स्लोप ऑफ पीएम कर्व, स्लोप ऑफ PM curve is equal to velocity of the particles having different masses and same velocity. Masses different है, velocity same है, तो उनके mass versus momentum का जो curve plot किया गया है उस curve का जो slope होगा क्या देगा, velocity देगा, ठीक है। Slope आप tan theta निकाले velocity मिल जाएगी। Example के लिए मैं आपको बताऊं, इसे देखिए मास दिया 1 किलोग्राम 2 3, मोमेंटम है 5 10 15, तो क्या होगा, अच्छा यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ मोमेंटम, यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होगी, मास इंटू वेलोसिटी, मास का मतलब किलोग्राम, वेलोसिटी का मतलब मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इन एसआई, इन सीजीएस ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, किलोग्राम मतलब मास है, मास का मतलब एम, मीटर मतलब लेंथ, लेंथ मतलब एल, अपॉन टाइम, टाइम मतलब टी माइनस वन हो गया, एम एल टी माइनस वन, ओके। तो यूनिट है इसकी, ओके। आइए यहां पर बताते हैं, कोई ग्राफ प्लॉट किया गया, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया हुआ है, तो बताइए इन पार्टिकल्स की
जो 1 2 3, 1 के करेस्पॉन्डिंग मोमेंटम है 5, 2 के करेस्पॉन्डिंग मोमेंटम है 10, 3 मास वाला जो पार्टिकल है उसका मोमेंटम है 15। तो बताइए ये पार्टिकल किस वेलोसिटी से थ्रो किए गए हैं, तो वेलोसिटी का सीधा सीधा फॉर्मूला हो गया स्लोप, क्या स्लोप ऑफ पीएम का। इधर जो है मास रिप्रेजेंट किया गया किलोग्राम में, और इधर मोमेंटम रिप्रेजेंट किया गया है ऊपर की तरफ। तो हो जाएगा स्लोप मतलब, देखिए यहाँ पे थीटा ले लीजिए, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर है जिसकी वैल्यू कितनी है 10, अब बेस की वैल्यू 2, हो जाएगा स्लोप मतलब टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर 10/2, कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही आप परपेंडिकुलर ले लीजिए, 15 वाला ले लीजिए, परपेंडिकुलर 15 बेस 3, 15/3 5 आएगा। यानी ये सब पार्टिकल्स जिनका मास 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम है, ये सब 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से थ्रो किए गए हैं, इसलिए सभी का मोमेंटम, इनका मोमेंटम रिस्पेक्टिवली 5, 10 एंड 15 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। इस प्रकार से पी वर्सेस एम ग्राफ प्लॉट करके आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अलग अलग पार्टिकल्स हैं, अलग अलग मास के हैं। दूसरे केस की बात हम करते हैं, सेकेंड केस, सेकेंड केस में क्या पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एट कॉन्स्टेंट एम, मतलब सेम मास के कई पार्टिकल्स हैं, सेम मास के कई पार्टिकल्स हैं, इनको थ्रो किया जा रहा है अलग अलग स्पीड से, हम मोमेंटम कैलकुलेट किया जा रहा है। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा आएगा, फ्रॉम पी इक्वल टू एम बी, यहां पे बोला एम क्या है कॉन्स्टेंट है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आ गया, मतलब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, ग्राफ प्लॉट करेंगे कैसा आएगा स्ट्रेट लाइन आएगा, मतलब किसका वेलोसिटी इधर मोमेंटम इधर, स्ट्रेट लाइन ऐसे। और यहां पर अगर इसका स्लोप निकाला जाए, देखिए कोई पॉइंट होगा तो ये हाइट, हाइट मतलब मोमेंटम, हाइट मतलब मोमेंटम, और ये बेस, बेस मतलब वेलोसिटी, टाइम थीटा, स्लोप ऑफ पीवी कर्व इक्वल टू टाइम थीटा इक्वल टू पी बाई वी। और इसी फॉर्मूले देखिए पी बाई वी का मतलब होता है मास, क्या होता है मास। तो पीवी कर्व का स्लोप निकाल लेंगे तो मास बन जाएगा, वो कौन से मास के पार्टिकल्स हैं जिनको अलग अलग वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं, तो ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन हमको मिल रहा है। ओके दूसरी बात, केस नंबर 3, ये मोमेंटम के बारे में आप लोग को डिटेल स्टडी हो रही है, हाँ क्या क्या चीजें पॉसिबल है। पी इक्वल टू एम बी, यहां पे आप देखिए एट कॉन्स्टेंट मोमेंटम, मोमेंटम कॉन्स्टेंट, एट क्या फोर लगाते हैं, फॉर कॉन्स्टेंट मोमेंटम, मोमेंटम सेम रहना चाहिए, इसके लिए एम वी इक्वल टू क्या आ गया कॉन्स्टेंट, एम इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन वी, मतलब सॉरी v को इधर रहने देते हैं, मास को इधर कर देते हैं, मास पर यहाँ डिवाइड हो गया, कांस्टेंट को अगर हटाए तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m आ गया, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम रखनी पड़ेगी। भैया इसमें ज्यादा सोचना भी नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए अगर ये वैल्यू कांस्टेंट रखनी है तो ज्यादा वेलोसिटी दे रहे हैं तो मास कम होना चाहिए, वेलोसिटी कम दे रहे हैं तो मास ज्यादा होना चाहिए, जिससे प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे, प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे मतलब मोमेंटम कांस्टेंट रहे। तो यहां पर मोमेंटम का कांसेप्ट आया, मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा इसके लिए वेलोसिटी और मास एक दूसरे के लिए इनवर्स प्रोपोर्शन होना चाहिए, कैसे प्रोपोर्शन होना चाहिए इनवर्स प्रोपोर्शन में, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होनी चाहिए। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इनवर्स वाला जो कर्व आता है वो कुछ हाइपरबोलिक इस तरीके से आता है, इधर हमने मास रिप्रेजेंट कर रखा है, इधर हमने वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रखा है, यहाँ पे क्या है वी इनवर्स प्रोपोर्शन टू। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी, एम और वी का ग्राफ कैसा आएगा, पी और वी का ग्राफ कैसा आएगा, पी और एम का ग्राफ कैसा आएगा। ओके तो स्टूडेंट्स ये रहा मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। अब एक बात समझ लीजिएगा, एक बॉडी मूव करते हो दूसरे बॉडी से जाकर कोलाइड हो करेगी, ज्यादा इफेक्ट तब प्रोड्यूस करेगी जब बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होगा, मोमेंटम कम होने पर उतना ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाली है नहीं है, मोमेंटम कम तो इफेक्ट कम आएगा, मोमेंटम ज्यादा तो इफेक्ट ज्यादा आएगा।
तो आज का मेन कॉन्सेप्ट रहा मोमेंटम। अब ये भी देख लीजिए, मास या वेलोसिटी दोनों में से कोई भी एक चेंज होगा मोमेंटम में भी चेंज होगा। मास या वेलोसिटी दोनों में से कोई भी एक चेंज होगा तो मोमेंटम में भी चेंज होगा। और न्यूटन साहब ने बताया सेकंड लॉ में अगर बॉडी में फोर्स अप्लाई करोगे तो उसके मोमेंटम में चेंज होगा। क्या चेंज होगा? मोमेंटम। बॉडी का मास कांस्टेंट रहेगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, बॉडी का मास कांस्टेंट रहेगा तो वेलोसिटी चेंज होगी बट मोमेंटम में चेंज होगा। अरे मास बदले यार, वेलोसिटी बदले, मोमेंटम तो बदलेगा ना भाई। हाँ, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, माना कि बॉडी रिजिड है, उसका मास फिक्स है, तो फोर्स लगाने पे क्या बदलेगा? वेलोसिटी बदलेगी। ठीक, मास बदले या वेलोसिटी बदले, मोमेंटम जरूर बदलेगा। ओके, तो फोर्स जब किसी बॉडी पे लगाया गया, फर्स्ट लॉ बोलता है अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाया जाएगा तो उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा। ये जरूरी नहीं है, वेलोसिटी में चेंज हो सकता है, बात ये सही है ना, क्योंकि ए फोर्स कैन चेंज, द फोर्स कैन चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। वो कर सकता है, कोशिश कर सकता है, कर देगा ये जरूरी नहीं है। अप्लाइड फोर्स वेलोसिटी में चेंज कर देगा ये जरूरी नहीं है, वो करने की कोशिश करता है तो चेंज हो भी सकता नहीं हो सकता है। तो फोर्स लगा है तो वेलोसिटी में चेंज होगा जरूरी नहीं है, उसी प्रकार से फोर्स लगा तो मोमेंटम में चेंज होगा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर चेंज होता है, लेकिन अगर चेंज होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ। ये बोला न्यूटन साहब ने, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। नेट फोर्स ऑन ए बॉडी, नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ऐसे लिखेंगे इसको, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल। इस तरह से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, एफ इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। हाँ, इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी लिखा जाएगा। और जब ऐसी केस आती है, ये क्वांटिटी भी बहुत छोटी, ये क्वांटिटी भी बहुत छोटी, तो ऐसी छोटी छोटी क्वांटिटी को लिखने के लिए डी यूज करते हैं, डी पी बाय डी टी। dp मतलब मोमेंटम में चेंज, बट वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज इन मोमेंटम रिप्रेजेंटेड बाई dp, वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल इज रिप्रेजेंटेड बाई dt। ओके, बट नाउ इट इज स्टडीड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब p जो है टाइम के रिस्पेक्ट में ऐसे गिवन हो सकता है 2t-5। अब आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dp by dt is equal to d by dt of 2t-5 means dp by dt is equal to 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, जिसकी पावर 1 है ऑलवेज का डिफरेंशिएशन 1 होगा, माइनस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होता है। तो आ गया dp by dt is equal to 2, dp by dt is equal to 2 आ गया, मतलब फोर्स इक्वल टू dp by dt is equal to 2 न्यूटन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से बात क्लियर हो गई। आप dp by चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लेंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या है मिल जाएगी। ये है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक बार फिर से देखिए, फोर्स, नेट फोर्स, ये भी ध्यान देना, नेट फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मीन्स चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में मोमेंटम जितना चेंज होगा वही वैल्यू नेट फोर्स के बराबर होगी। अब यही मत सोचना कि कोई नेट, कोई नया फोर्स है, ये कोई नया फोर्स नहीं है, किसी बॉडी पे लगाए गए डिफरेंट फोर्सेस की रिजल्टेंट वैल्यू जो है ये फॉर्मूला उसका मेजरमेंट देता है। इट इज ओनली अ कैलकुलेशन, इट इज नॉट अ न्यू फोर्स। कुछ लोग इसको नया फोर्स समझ लेते हैं, नहीं, इट इज ओनली अ कैलकुलेशन फॉर द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस अप्लाइड ऑन ए बॉडी।
ओके। तो नेट फोर्स अगर एफ होगा तो एफ इक्वल टू डी बाय डीटी होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पर पी इक्वल टू एम बी होता है। अब एक बात और सुन लीजिए, यहां पर क्या होता है, पी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां से हम एफ इक्वल टू डी बाय डीटी ऑफ एम बी कर देंगे, एफ इक्वल टू एम कॉन्स्टेंट बाय डी बाय डीटी ऑफ बी कर देंगे, एफ इक्वल टू एम डीवी बाय डीटी। डीवी बाय डीटी मतलब एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, आप लोग काइनेमेटिक्स में पढ़े होंगे कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी, कौन सा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, इज नोन एज एक्सेलरेशन। मींस एफ इक्वल टू एम ए आ गया है ना, फादर इक्वल टू मां आ गया, फादर इक्वल टू मां याद रखिएगा, एफ इक्वल टू एम ए, एम मतलब मास ऑफ द बॉडी, ए मतलब एक्सेलरेशन। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू नेट फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ये हो गया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं कि भाई एक बॉडी अगर दूसरी बॉडी पे फोर्स एक्जर्ट करती है तो दूसरी बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पर उतना ही फोर्स एक्जर्ट करेगी। देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन सॉरी रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। जब भी कहीं पर किसी बॉडी पे फोर्स लगाया जाएगा तो वो बॉडी भी लगाने वाले पर उतना ही अपोजिट फोर्स लगाती है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, यही आप थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आप यही नोट कर लीजिएगा क्या, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कहेंगे सर एक बात बताइए, ये जो ऑब्जेक्ट है अर्थ पर उतना ही फोर्स लगा रही है जितना अर्थ इस पर लगा रही है, हम कहेंगे बिल्कुल, जितने फोर्स से अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है उतने फोर्स से ये भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। तो कहेंगे सर अभी छोड़ दें तो ये अर्थ की तरफ दौड़ के जाएगा, पर अर्थ इसकी तरफ दौड़ के नहीं आएगी। व्हाट इज द रीजन, रीजन इज दैट इट्स मास इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू मास ऑफ अर्थ, एंड मास छोटा है फोर्स सेम है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जिसका मास जितना कम उसका एक्सेलरेशन उतना ज्यादा, एक्सेलरेशन उतना ज्यादा मतलब वेलोसिटी में चेंज उतना ज्यादा, मतलब इसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट उतनी तेजी से होगा, समझ रहे हैं। तो सेम फोर्स लग रहा है इस पर भी और अर्थ पर भी, अर्थ का मास बहुत ज्यादा होने की वजह से अर्थ में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ, लेकिन इसका मास कम होने की वजह से इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा आया, इसकी वेलोसिटी में चेंज ज्यादा हुआ और तेजी से अर्थ की तरफ भाग गया। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स लगाना जरूरी है, विदाउट फोर्स एक्सेलरेशन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। और नहीं तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो आपको समझ में आई हो गया होगा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ओके स्टूडेंट्स, आज आप मोमेंटम के बारे में लिखिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में लिखिए, नेक्स्ट डे इसकी डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे और इस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स वगैरह भी देखेंगे और इनर्सिया की भी स्टडीज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।